7 अक्टूबर से शुरू हुए इसराइल हमास युद्ध के बाद से अब तक लगातार नरसंहार का सिलसिला जारी है। इसराइल ने हमास को मिटाने की कसम खा रखी है और इसी के बरक्स गाजा पट्टी पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस दौरान जिस तरह से इसराइल हमलावर है, दुनिया के कुछ देशों में उसकी इस बात की निंदा भी हो रही है कि इसराइल आम लोगों को, निर्दोष लोगों को और बच्चों को भी नहीं बख्श रहा है। इस युद्ध में मानवीयता बिल्कुल नदारद है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने क्षेत्र के अपने हालिया यात्रा के दौरान मानवीय मदद पहुंचाने के लिए कुछ देर हमले रोकने का प्रस्ताव भी रखा था, जिसे इसराइल ने अस्वीकार कर दिया था। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है वो इसराइल की अलग ही छवि पेश कर रही है। वायुसेना के एक नेविगेटर लेफ्टिनेंट कर्नल ने बताया कि कॉकपिट से हवाई हमले को रोका जा सकता है। लगातार जब हम हवा में होते हैं, जब हम देखते रहते हैं कि कहीं इस हमले को निरस्त करने की जरूरत तो नहीं, अगर कोई कुछ देखता है तो वो तुरंत कॉम पर कॉल करता है, बताता है कि निरस्त करें, इसे रोके, रोको, और फिर हम इसे रोक देते हैं। हम वापस चले जाते हैं और लक्ष्य के क्लियर होने की प्रतीक्षा करते हैं। अब जैसा लेफ्टिनेंट ने बताया, उसी को साबित करता हुआ ये वीडियो है जो एयर स्ट्राइक से पहले का है। खुफिया जानकारी के मुताबिक एक टारगेट पर IDF का ये हवाई हमला आम लोगों और बच्चों की मौजूदगी कारण रद्द कर दिया गया था। इस जगह पर हमारा निशाना है। तुम हमले के लिए तैयार हो? तैयार हो? नहीं नहीं, यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ बहुत सारे जानवर और लोग हैं, यहाँ पिता और बच्चे खेल रहे हैं। हमला मत करो, हमला मत करो, देखो उन्हें। स्क्रीन पर दिख रहा है, चलो यहाँ से। यहाँ जानवर हैं और बच्चे हैं और कुछ लोग यहाँ आपस में बात कर रहे हैं और खेल रहे हैं। अब जहाँ फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसराइल के हवाई हमलों में अब तक करीब 4,100 बच्चों की मौत और 8,000 से ज्यादा के घायल होने का दावा किया जाता है, ऐसे में ये तस्वीर कहीं न कहीं इसराइल के उन आलोचकों को फिर से सोचने पर मजबूर करेगी।